एन के सिक्सटी थर्ड फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के ओकेजन पर यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एन को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्रोवाइड किया एन का एस्टेब्लिशमेंट सोसाइटी एक्ट के तहत 1961 में किया गया था कोई भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि एजुकेशन फील्ड के सेक्टर में एक्सेप्शनल वर्क करता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एडवाइस पर डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाता है भारत में टोटल 125 डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस न्यू स्टेटस के साथ एनसीईआरटी अब खुद का कैरिकुलम और साथ ही साथ खुद की डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएशन डिग्री भी देगा बाल भवन और बाल वाटिका का भी मर्जर एनसीईआरटी के अंदर कर दिया गया है टू प्रोवाइड एन एक्सेप्शनल एंड होलिस्टिक एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि राइट टू तो एजुकेशन हमारे भारतीय संविधान में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था